चाहूंगी मिसेस अलका सोनकर जी का, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल इंदौर, जो प्लीज इस कार्यक्रम रिलेटेड थोड़ा सा अपने शब्दों से हमारा मनोबल बढ़ाए। थैंक, प्लीज वेलकम मैम। सबसे पहले तो मंच पर आसीन सभी महानुभाव और विशेष रूप से हमारे सांसद जी, बहुत ही लोकप्रिय सांसद जी जो अभी चले गए, उन्हें भी मैं नमन करती हूँ। आवाज़ शायद नीचे तक पहुँच जाएगी। और हमारे मुस्कुराते हुए प्यार से देखने वाले हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर साहब, क्योंकि आधी बीमारी तो डॉक्टर साहब को देख के ही दूर हो जाती है। ब्रह्म कुमारी दीदी आपको, और आप मसीहा जी, आजम जी, वास्तव में मसीहा के रूप में ही आपको भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और लास्ट में हमारे दादा हैं, मैं डॉक्टर भूपेन गौतम जी, जिनसे मैं पहले भी मिली हूँ, उनका मैंने आशीर्वाद भी लिया है, बड़े होने के नाते उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और आप सभी भावी डॉक्टर्स और अतिथिगण, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि डॉक्टर साहब ने इस लायक समझा कि एक जेल अधीक्षक को किसी बीमारी के विषय पे यहाँ बोलने के लिए और अपने व्यूज बताने के लिए बुलाया गया यहाँ पे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीमारी के बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानते हो, तो आप ही लोग बताएंगे कि क्या होती है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि बीमारी वो चीज़ है जो इंसान को सबसे ज़्यादा दुखी करती है। और जब एक इंसान दुखी होता है तो उसको दो ही लोग याद आते हैं, एक उसको भगवान याद आता है और फिर उसको डॉक्टर याद आता है। इसीलिए डॉक्टर को कहीं ना कहीं भगवान के रूप को, भगवान का ही दर्जा दिया गया, यूं ही नहीं दिया। और जैसे ही हम किसी भी तकलीफ में हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, तो पहला माँ निकलता, चाहे हमारे मन से निकलता रे माँ मुझे बचा लो, या माँ निकलता है और फिर माँ ही हमको लेके जाती है डॉक्टर के पास में। और फिर वो डॉक्टर जब हमारा नाड़ी पकड़ करके हमको देखता है, आजकल तो वो ज़माना चला गया कि डॉक्टर साहब वैसे पकड़ करके देखें, लेकिन मेरा आप सभी जो आने वाले कल के डॉक्टर्स हैं, मेरा आप सबसे बस यही एक छोटी सी विनती है कि आधा मरीज तो तभी ठीक हो जाता है जब आप उसकी बात सुन लेते हैं। तो पहले तो आप उनको सुने, क्योंकि जैसा कि अभी दीदी ने भी यहाँ पर बताया कि हम सब यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला एक पेशेंट का जो मन ये कहता है कि भाई आप पहले सुन लो मुझे क्या तकलीफ है। और आजकल वास्तव में बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है, आधा भी नहीं बता पाते और डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देता है। और जैसे ही डॉक्टर बिना लिखे और बिना देखे और बिना आपको समझे प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देता है तो मन में आता है यार सुना ही नहीं। लेकिन वहीं यदि आप उसको सुन लें, थोड़ा सा हाथ पकड़ लें, पता नहीं क्यों ऐसा ईश्वरी वो है कि हम समझते हैं कि यदि डॉक्टर साहब ने हमको छू लिया है तो शायद डॉक्टर साहब की जितनी पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर आ जाएगी। ये भाव है वो कि डॉक्टर साहब ने छू लिया है तो हो सकता है कि आधी बीमारी हमारी दूर हो जाए, क्योंकि हम उन्हें वहाँ पे उसका दर्जा दे रहे हैं जो ईश्वर के तुल्य है। तो हम भगवान के मंदिर जाते हैं, माथा टिकाते हैं, ऐसे ही जब हम अपने किसी रोग के लिए डॉक्टर साहब के सामने नतमस्तक होते हैं तो हमें अंदर एक आम पब्लिक को यह आशा होती है। और ये गुण आज भी हमारे डॉक्टर साहब में विद्यमान है। डॉक्टर साहब हमारे जेल पे निरंतर आते हैं और हमारे बंदियों का इलाज करते हैं। बंदी एक ऐसे व्यक्ति होता है जिसको समाज बड़ी घृणा की भावना से देखता है, और मैं उन बंदियों की गार्जियन हूँ, और मुझे लगता है वो भी समाज में उतने ही अधिकार के साथ जीने के लायक है जितना कि आम पब्लिक। और डॉक्टर साहब जब भी हमारे जेल में आते हैं तो बड़े प्यार से और बहुत ही अच्छे से मेरे प्रत्येक बंदी का हाथ पकड़ करके वो देखते हैं और पूछते, हाँ बेटा बताओ क्या तकलीफ है। इसीलिए डॉक्टर साहब जब हर थर्ड सैटरडे को डॉक्टर साहब को आना होता तो हमारे यहाँ भीड़ उमड़ी रहती है। और जब हम वैसे कैंप लगाते हैं डॉक्टर साहब, तो हमें बैरिक से बुलाना पड़ता है, आ जाओ भाई डॉक्टर आने वाले हैं। तो वो पूछते हैं कि कौन से वाले डॉक्टर आ रहे हैं, वो मीठी गोली वाले आ रहे हैं क्या। तो हमारे डॉक्टर साहब जितना मीठा बोलते हैं उनकी गोली भी उतनी मीठी है। तो इसीलिए जो है आप सबसे पहला गुण आपके सर से यही वाला सीखिएगा, सभी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। दूसरा चीज है, पर हमारे बच्चों को तो लगता होगा कि बहुत कड़वा बोलते हैं, एक्चुअली क्लास में इतना मीठा पर बोल नहीं पाता। सर इन तालियों ने मुझे बता दिया है कि बच्चे वास्तव में ऐसा सोच रहे। लेकिन आपको बता दें कि एक टीचर या एक गुरु
भले वो ऊपर से नारियल की तरह आपके साथ सख्त है, पर वो अंदर से तो मीठा पानी ही है। वो उनका भाव जो है वो ये है कि मेरा स्टूडेंट जो है वो बने, कि कल को ये जहां पे भी खड़ा हो, जिसका भी उपचार करे, लोग कहे वाह क्या डॉक्टर है। इसके लिए इतना से बनता है। और मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि डॉक्टर साहब कड़वा बोल सकते हैं। देखो डॉक्टर साहब की तरफ बोल ही नहीं सकते। मैं तो मान ही नहीं सकती कि डॉक्टर साहब कड़वा बोलते होंगे। जिनकी गोलियां मीठी, जिनका स्वभाव मीठा, वो कैसे कड़वे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। देखो आप फिर इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि जब भी हमें किसी को भगवान ना करे कि कोई बीमारी हो, स्पेशली शुगर बीपी क्यों होती है, ज़्यादा मीठा खा लिया तो हो जाती है, तो डोज भी तो ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है? यदि हम मीठा ही मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर साहब कभी कभी करेले का भी सेवन कराते हैं। कभी कभी डॉक्टर साहब करेले का भी सेवन कराते हैं। जरूरी है हर वो चीज जो आपको मीठी लगे और आपके मन को भाए वो आपके लिए अच्छी हो, ये जरूरी नहीं होता। हर वो चीज जो खाने में कड़वी होगी, जिसका स्वाद तीखा होगा, वही आपके सेहत के लिए अच्छी होगी, ये मान के चले। इसीलिए डॉक्टर साहब आपको पढ़ाते समय थोड़े से करेले के सलाह हो जाते होंगे, और मैं भी नहीं मान रही थी होंगे तो है नहीं बेटा, नाम नोट कर रहे हैं। वो और कुछ नहीं, आपको देख के नाम नोट कर रहे हैं कि किस किस ने कहा था मुझे। दूसरी चीज, जीवन में हम आज एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। एक चूंकि मैं बचपन से मेरी भी इच्छा जो थी एक डॉक्टर बनने की थी, पर डेस्टिनी सबके लिए निर्धारित है कि किसको क्या बनना है और कौन कहा समाज में किस रूप में सेवा करेगा। तो उस समय जब हम लोग स्कूल में हुआ करते तब पीएमटी की परीक्षा होती थी डॉक्टर बनने के लिए, तो मेरी पीएमटी क्लियर थी, मुझे एमबीबीएस में एडमिशन भी मिल गया, पर ईश्वर को कुछ और मंजूर था कि हम कुछ और बने। तो मैं डायरेक्टली तो डॉक्टर नहीं बनी, पर हाँ मैं समझती हूँ कि मैं एक सोशियो डॉक्टर जरूर बनी, क्योंकि मेरा कार्य है कि समाज के ऐसे भटके हुए लोगों को सुधार करके समाज की मुख्य धारा में भेजना, जो कहीं अपराधी हो गए, जो समाज से दूर हो गए हैं। तो हम भी एक डॉक्टरी का काम तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन डिग्री डॉक्टर की नहीं है, तो उसके लिए हम डॉक्टर को बुला रहे हैं। एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में जितनी मेरी जानकारी है, जो मैं समझ सकती हूँ, जो डॉक्टर साहब ने भी यहाँ बताया है कि एप्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार से हमारा बोन मैरो जब काम करना बंद कर दे, वो ब्लड सेल्स को नहीं बनाए, तो हमारे शरीर में जो एक बीमारी होती है इसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जिसमें जब ब्लड ही नहीं बनेगा, जब हमारा बोन मैरो ही हमसे खफा हो गया, तो कहते हैं कि अपने शरीर के किसी भी अंग को खफा ना करिए, अपने शरीर के किसी भी अंग को खफा ना करिए, वरना बीमारी आपके घर में दस्तक देने लग जाएगी। तो इसको खफा नहीं करने के लिए सबसे पहले तो हमें योग, ध्यान, प्रसन्नता और अच्छा भोजन, चार चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। तो ध्यान के बारे में दीदी ने बताई दिया, योगा के तो आप लोग एक्सपर्ट हैं ही, और होम्योपैथिक के बारे में सर आपको हमेशा बताते हैं, उसी से ही ट्रीटमेंट। मेरा यदि व्यक्तिगत आप अनुभव पूछें तो मैं यही कहती हूँ कि कोई भी फील्ड डॉक्टरी की किसी से कम नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी फील्ड है होम्योपैथिक, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसकी दवाई की डेट में एक्सपायरी भी नहीं होती। डॉक्टर साहब जिसकी एक्सपायरी नहीं है वो आपको कभी दगा नहीं देगा, जिसकी एक्सपायरी नहीं होती वो कभी आपको दगा नहीं देगा। दूसरा, होम्योपैथिक की मेडिसिन के साथ में कभी आपको एसिडिटी मिटाने की गोली नहीं दी जाती, जो कि एलोपैथिक का पहला दोस्त है, एसिडिटी की गोली पेंटॉप डी सबसे पहले। डॉक्टर साहब कहते हैं खाली पेट सुबह उठ के सबसे पहले इसी को खाना, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं गोली दे रहा हूँ उसके बाद जाकर के इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे उबलेगा, और जब वो इंटेस्टाइन में गोलियां फटेंगी तो कहीं ना कहीं अल्सर क्रिएट करेंगी, इसीलिए वो पहले बोल देता है भाई सुबह खाली पेट उठ के सबसे पहले इसको खा लेना, ताकि हमारे इंटेस्टाइन में एक सेल फॉर्मेशन हो जाए, एक लाइन फॉर्मेशन हो जाए, वो आपकी इंटेस्टाइन को खराब ना करे। जब वही कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम कैसे इलाज करा लेंगे? तो मुझे तो पर्सनली होम्योपैथिक बहुत अच्छा लगता है,
और मैं चाहती भी हूँ कि अधिक से अधिक लोग होम्योपैथिक से जुड़े, क्योंकि होम्योपैथी का भले आपकी मेडिकल फील्ड में जो भी एनालिसिस हो, पर मेरे नज़र में होम्यो मतलब घर और पैथिक मतलब बड़ी शांतिपूर्ण किया गया इलाज। तो जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। इसीलिए होम्योपैथिक की दवाइयों में सतत धन्वंतरी का आशीर्वाद है और उसको लेने से आप स्वस्थ होते हैं, ऐसी मेरी सोच है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है और मैं अपनी व्यक्तिगत सोच पे बहुत गर्व के साथ भी कहती हूँ कि आज मसीहा जैसे लोग भी यहाँ विराजमान हैं, जो कि एक ऐसी बीमारी को उन्होंने रिकवर किया है जिसका अभी एलोपैथी इलाज ढूंढ रही है, और ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं स्वस्थ होकर के बैठा हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जांपल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे धार से भी हैं और मुझे लगता है यहाँ से बहुत सारे लोग होंगे जो इस अभियान से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब सतत नया और नया से नया इनोवेशन करने के लिए प्रसिद्ध हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब रात को सोते भी होंगे तो सपने में सोचते होंगे अब किस बीमारी को पकड़ना है, किसको खदेड़ना है बाहर। और मान के चलिए कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो डॉक्टर साहब के पकड़ से छूट जाए और डॉक्टर साहब सबको पकड़ करके, जैसे ईश्वर ना करे कि कभी वो दिन आए जब कोरोना महामारी जैसी विकट परिस्थितियों से इस संसार को गुजरना पड़े, उस समय भी डॉक्टर साहब ने जो होम्योपैथिक के माध्यम से ट्रीटमेंट किया, जो होम्योपैथिक की दवाइयों से जो सेटिस्फेक्शन और जो हम लोगों को आराम मिला, हमारे जेल के बंदियों के लिए निशुल्क डॉक्टर साहब दवाइयाँ देते हैं, हर मर्ज की दवाई देते हैं। कोरोना में इन्होंने एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है विल पावर, यदि आपकी विल पावर बहुत अच्छी है तो आप सब चीज से जीत सकते हैं। और एक डॉक्टर को भगवान ने एक अतिरिक्त गुण देके भेजा है, सेवन सेंस एट सेंस कहते हैं ना, एक डॉक्टर को अलग से भेजा, क्योंकि डॉक्टर जैसे ही किसी पेशेंट को देखता है वो समझ जाता है कि इसको तकलीफ क्या है, या तो माँ समझती है या तो डॉक्टर समझता है। तो आप अपने उस गुण के साथ जिए और दूसरा बड़ी बहन समझती है जो हमारी अलका दीदी इतनी तारीफ कर रही है। मैं जब सेंट्रल जेल में जाता हूँ तो वहाँ के कैदी लोग बताते हैं कि जब से ये नई वाली मैडम आई है तब से बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। तो जब हमारा पिता नहीं होता है, जब हमारी माँ नहीं होती है और जब हमें कोई साथ नहीं देता है या संबल नहीं देता है, उस समय जो साथ देता है और संबल देता है वो हमारी बड़ी बहन होती है जो अलका दीदी है, ऐसा हमको कैदियों ने बताया। तो ये जो तारीफ कर रही है ना, ये इनका बड़प्पन है, ये हमारी बड़ी बहन है। तो ये जो है हमारी बड़ी बहनें जो होती है ना, बड़ी हो या छोटी हो, वो भाइयों का या अपने परिवार का गार्जियन के बतौर ध्यान रखती हैं। ये हमारा महिला सशक्तिकरण वीक भी चल रहा है, 8 मार्च को वर्ल्ड विश्व महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। तो इसलिए मैंने 2 महान विभूतियों को बुलाया था हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। उसमें हमारी दीदी ब्रह्म कुमारी पीके मिश्रा जी थी, अभी बता रही थी कि मैं बहुत पुरानी पेशेंट हूँ आपकी, और अलका सोनकर जी थी। तो हम लोग इसी बहाने हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे को, चूँकि प्रोग्राम 4 दिन अर्ली है, तो हमने उसको भी सेलिब्रेट करने का कोशिश किया है। हमारे अगर गेस्ट पुरुष भाई थे तो हमारी महिला बहनें भी हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं।